सब्सक्राइब कीजिए केडी केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन को दबाइए केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट लेक्चर सबसे पहले देखने के लिए। कंडीशन ऑफ टिंडल इफेक्ट, तो फर्स्ट कंडीशन स्टूडेंट कि द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, ठीक है, मीन्स जो लाइट यूज हुई है उससे ज़्यादा स्मॉल उन पार्टिकल की डायमीटर नहीं होनी चाहिए, मीन्स ट्रू सॉल्यूशन के नज़दीक नहीं लेके जाना आपको, ठीक है। तो वेवलेंथ यूँ कह रहा है कि कंपेयर करें तो उससे स्मॉल नहीं हो, ठीक है, पार्टिकल जो है ना डायमीटर उनकी वेवलेंथ से ज़्यादा स्मॉल नहीं हो जो आपने लाइट यूज की है। सेकेंड है कि देर इज ए लार्ज डिफरेंस इन ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडिया, उन दोनों के मीडियम का जो एंगल है स्टूडेंट्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी इनका अलग अलग होना चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस इसमें होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट कंडीशन कि द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ ए लाइट, ठीक है, ज़्यादा स्मॉल नहीं होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, किस किस का डायमीटर, जो लाइट आपने यूज की है उसकी वेवलेंथ ऑफ लाइट और जो पार्टिकल जिनमें वो लाइट बिखरेगी उनकी डायमीटर का साइज स्टूडेंट्स ज़्यादा डिफरेंस वाला नहीं हो, कंपेरेबल हो। तो दीज आर द कंडीशन ऑफ टिंडल इफेक्ट। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टिंडल इफेक्ट, अब ये इसके इम्पोर्टेंस क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस स्टूडेंट्स इसकी ये रही है कि इट हेल्प्स टू कंफर्म द सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनियस इन नेचर, ठीक है, तो लिख सकते हो आप ये इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस importance और significance क्या लिखोगे भाई, it helps to confirm, it helps to confirm that solution is heterogeneous in nature। देखिए सोल्यूशन जब हेट्रोजीनियस का होगा तभी तो लाइट स्कैटर होगी, क्योंकि सभी पार्टिकल की साइज जो होगी वो डिफरेंट होगी स्टूडेंट्स। तो दिस इज द टिंडल इफेक्ट, वेरी इजी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। देखिए स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी अगर कोलाइडल सोल्यूशन की स्टडी की करें हम तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है जेटा पोटेंशियल और यू कैन से दैट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है, तो लिख सकते हो आप थर्ड प्रॉपर्टी रहेगी शायद, ये थर्ड या फोर्थ है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स क्या होती है, कोलाइडल पार्टिकल है स्टूडेंट्स वो जब कोलाइड करते हैं तो म्यूचुअली रब करते हैं और रब करने से दे कैरी सम सेम चार्ज, दे कैरी सम सेम चार्ज, हैंस दे आर रिपेल्ड टू इच अदर एंड डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम, दिस इज द मेन कॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्ट, कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का रीजन मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में। स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कोलाइडल पार्टिकल हैं या कोलाइडल जो सोल हैं ये स्टूडेंट्स टू टाइप के होते हैं, नेगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज। तो इसलिए मैं आपको ये बता देता हूँ एग्जाम्पल से हेल्प से आप याद रख लेना, यहां पर आप लिखो नेगेटिवली चार्ज्ड और दूसरा क्या लिखोगे पॉजिटिवली चार्ज। फिर से बता दूं कोलाइडल सोल स्टूडेंट मैंने अपने बहुत पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जब डिस्पर्स फेस सॉलिड हो डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड हो तो वो सॉलिड सोल कहलाते हैं, ऐसे बताया था मैंने। तो अब यूँ कह रहा हूँ कि जो कोलाइडल पार्टिकल जो सोल बनेंगे वो टू टाइप के होते हैं, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के एग्जांपल आपको बताइए जितनी भी मेटल्स हैं या उनके सल्फाइड हैं, ठीक है, क्या बोलोगे सबसे पहले ऑल मेटल्स आर नेगेटिव कोलाइडल सोल, ठीक है। यहां पर मेटल हाइड्रोक्साइड, ऑल मेटल हाइड्रोक्साइड याद रखोगे, मेटल हाइड्रोक्साइड जैसे कि FeOH थ्राइस हो गया स्टूडेंट्स, पॉजिटिव कोलाइडल सोल होते हैं, ठीक है।
ए एल ओ एच थ्राइस हो गया, एम जी ओ एच ट्वाइस हो गया, ठीक है, ई टी सी। और मेटल आपको पता ही है, गोल्ड मेटल हो गई, सिल्वर मेटल हो गई, कॉपर मेटल हो गई, ये सब क्या है, मेटलिक पॉजिटिव कोलाइडल सोल है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका डिफरेंस आएगा इसमें, जो एग्जांपल है वो मेटलिक सल्फाइड जितने भी हैं वो नेगेटिव कोलाइडल सोल है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। और इसमें आप क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, हाइड्रेटेड मेटलिक ऑक्साइड जितने भी हैं, हाइड्रेटेड मीन्स जिनमें वाटर मोलिकुल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल लिख देते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल ए यू ए जी और सी यू ई टी सी, इन सब के जो पार्टिकल्स हैं। सेकंड डिफरेंस क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में मेटल सल्फाइड सच एज ए एस टू एस थ्री। बस बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट कोलाइडल सोल है, काफी टाइम यूज हुआ है। क्या नाम है इसका, आर्सेनिक सल्फाइड। क्या बेटा इसका, आर्सेनिक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड ईटीसी, ठीक है। तो ये नेगेटिव कोलाइडल सोल है। और इसमें आप क्या डिफरेंस दोगे स्टूडेंट्स, हाइड्रेटेड सॉल्ट सच एज, कौन कौन से हो गए स्टूडेंट, जैसे कि Al2O3.XH2O, वाटर मॉलिक्यूल जिसमें कंटेन हो, ठीक है स्टूडेंट, CuSO4.5H2O, ठीक है, MgSO4.7H2O, etc. क्लियर। तो दीज आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोलाइडल सोल। और भी एग्जांपल हो सकते हैं स्टूडेंट, जैसे कि एसिडिक डाई है, ठीक है, एसिडिक डाई जितनी भी होती है वो नेगेटिव कोलाइडल सोल बोली जाएंगी, और जो बेसिक है वो क्या कहलाएगी स्टूडेंट, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, एसिडिक डाई। ये सर डाई क्या होता है, कलर होते हैं बेटा कलर, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉन्गो डाई है, कॉन्गो, क्लियर, रेड कलर की डाई होती है स्पेशल, वो भी रेड डाई। तो ये स्टूडेंट्स किस में आते हैं, ये आते हैं भाई नेगेटिव कोलाइडल सोल में, क्लियर। और ईओसिन सोल भी जो होते हैं वो भी इसी डाई में आते हैं, ईओसिन सोल ईटीसी। इसमें आप क्या लिखोगे स्टूडेंट, मिथाइलिन ब्लू डाई मैंने कहां करवाया था स्टूडेंट, याद करो, मैंने एडजॉर्प्शंस वाले यूनिट में बताया था कि मिथाइलिन ब्लू अगर वाटर में डिजोल्व कर दिया जाए तो जो ब्लू कलर होगा इज एडजॉर्ब बाय द एनिमल चारकोल। तो इन दैट केस एनिमल चारकोल एक्ट एज एडजॉर्बेंट, वाइल मिथाइलिन ब्लू इज एक्ट एज एडजॉर्बेट, बताया था मैंने इसी यूनिट में सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आप ये कह सकते हो कि मिथाइलिन ब्लू डाई इज ए बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बेसिक डाई, ठीक है, इज ए बेसिक डाई, क्लियर। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कोलाइडल सोल हो गए। और भी एग्जाम्पल देना चाहो तो एक मैंने लाइफ फिलिक में डेफिनेशन दी थी, आपको याद हो तो, क्या दी थी कि जितने भी स्टार्च हैं, गम हैं, जिलेटिन है, क्ले है, चारकोल है, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड है, ये सब के सब नेगेटिव कोलाइडल सोल होते हैं। और इसमें स्टूडेंट्स जो टाइटेनियम ऑक्साइड हो गए, हीमोग्लोबिन हो गए, सब पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो मैं डिफरेंस दे देता हूँ, क्या गम हो गए, स्टार्च, ठीक है, रबर, जिलेटिन, ठीक है, ईटीसी, और यहाँ पर टाइटेनियम ऑक्साइड, हीमोग्लोबिन, ईटीसी, ये पॉजिटिव कोलाइडल सोल है, ये नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स ये एक सिंपल सा डिफरेंस है, याद रख लेना। एक यूँ कह सकते हो कि एग्जाम में तो नहीं पूछते, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि ये किसका एग्जाम्पल रहा है, क्या चीज़ है ये, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जेटा पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जेटा पोटेंशियल से पहले मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, जो बच्चों ने मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं कि सर इसमें क्या होगा, इसमें क्या नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक टेस्ट ट्यूब में ठीक है के आई फिलअप है, क्या है बेटे के आई,
और ऊपर से अगर हम मिला दें इसमें AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, तो क्या होगा? What happen when AgNO3 is mixed with KI? देखो ये तो कन्फर्म है, कोगुलेशन तो होगा, बट कैसा कोगुलेशन, कौन सा चार्ज कहाँ क्या जाएगा वो आपको बता देता हूँ। तो स्टूडेंट जो नीचे मीडियम लिया है ऑब्वियसली उसमें कंसंट्रेशन KI की ज़्यादा है, AgNO3 कम है, तो जिसकी वजह से आयोडीन है एक बेटर लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पर आई नेगेटिव है वो AgNO3 पे एडजॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। आई नेगेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट, AgNO3 पे एडजॉर्ब, तो ओवरऑल क्या बनेगा, नेगेटिव कोलोइडल सोल। ऑलवेज रिमेंबर इट, ओके। और अगर यही केस स्टूडेंट ऐसे हो जाता, यहाँ पर मान लीजिए दे दिया जाए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन और ऊपर से मिक्स कर दिया जाए KI पोटेशियम आयोडाइड, तब क्या होगा? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपकी बार डिस्पर्जन मीडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो पॉजिटिव पार्टिकल है वो इस पर एड्जॉर्ब हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बनेगा स्टूडेंट, पॉजिटिव कोलाइडल सोल, ठीक है, दोनों केस याद रख लेना। चलिए केस और आ जाता है, कई बार ये कह देता है कि वॉट हैपन वैन FeCl3 इज मिक्स विद हॉट वॉटर, अक्सर पूछा जाता है, और ये भी आया हुआ है कि FeCl3 इज मिक्स विद NaOH, तो स्टूडेंट सिंपल है, यहाँ पर NaOH के कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो OH नेगेटिव चार्ज है वो इसके ऊपर एब्जॉर्ब होगा, तो क्या बनाएगा स्टूडेंट, नेगेटिव कोलाइडल सोल, इतना ही तो याद रखना आपको, कोलाइडल सोल, और FeCl3 में हॉट वाटर जो है वाटर में डिस्पर्ज हो जाएगा स्टूडेंट, तो पॉजिटिव कोलाइडल सोल बनाएगा, और कौन सा बनाएगा स्टूडेंट, FeOH3 वाला, क्या बनाएगा, FeOH3। तो स्टूडेंट ये चार केस हैं, इनमें से अक्सर एक एग्जांपल पूछ लेता है कि क्या होगा, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिए हैं, अब हम आपको बताएंगे जेटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स नाम से ही पता चल रहा है कि जेटा पोटेंशियल का मीनिंग क्या है, जेटा पोटेंशियल आइए पढ़ लेते हैं, पहले लिखो आप इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जेटा पोटेंशियल, डेफिनेशंस वर्जन वाली यूनिट स्टूडेंट, न्यूमेरिकल्स बहुत कम है इसमें, ठीक है। तो जेटा पोटेंशियल क्या होता है स्टूडेंट, लिखिए कि व्हेन The ions of electrolyte, ठीक है, are absorbed on the surface of कोलाइडल सोल, क्लियर, देन इट फॉर्म ए लेयर विच इज कॉल्ड फिक्स लेयर, क्लियर, एंड These ion are attract colloidal particle from the dispersion medium. And form a layer which is called diffuse layer or mobile layer. That is the potential difference
बिटवीन फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज लेयर इज कॉल्ड जेटा पोटेंशियल. स्टूडेंट आई रिपीट अगेन, देखिए डेफिनेशन तो स्टूडेंट्स मैंने यहां से लेके यहां तक छोटी डेफिनेशन बनाई, लेकिन ये जो बातें हैं इसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज डिफ्यूज लेयर एंड व्हाट इज मोबाइल लेयर. फिर से बता देता हूँ कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट कोलाइडल सॉल्यूशन में डालते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं वो उसके सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाते हैं, तो उस लेयर का नाम रख दिया स्टूडेंट्स फिक्स लेयर. लेकिन थोड़ी देर बाद में कोलाइडल सॉल्यूशन के डिस्पर्जन मीडियम से वो पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स चल के आए ना तो मूव करके आए, इसलिए क्या नाम पड़ गया स्टूडेंट उसका मोबाइल लेयर. तो मोबाइल लेयर और फिक्स लेयर के बीच का जो एक पोटेंशियल डिफरेंस है स्टूडेंट वो एग्जिस्ट हो जाता है, वही क्या कहलाता है जेटा पोटेंशियल. काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछे की डेफिनेशन है स्टूडेंट, बच्चे इसको छोड़ के आ जाते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि आज के बाद तुम इसको एग्जाम में छोड़ के आओगे. तो समझ में आ गया स्टूडेंट. तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट आपको बताएंगे कि हार्डेस्ट कोर्जिला एंड कोगुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. ओके, थैंक यू.